हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला में कासा ब्लेंसा बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ हूं। दोस्तों, बहुत टाइम से सोच रहा था कि सोनू सूद सर का घर का वीडियो बनाऊं, उनसे मिलूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था सोनू सूद सर से मिलने के लिए, उनका घर दिखाने के लिए, और मैं खुद भी चाहता। दोस्तों, सोनू सूद सर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में रहते हैं और उनकी इंट्रोडक्शन मैं कहाँ से दे सकता हूँ यार आपको। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो और जो जानते हो वो एकदम हकीकत है। आज मैंने वैसा ही यहाँ पर आके देखा है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, मैं जैसे ही इस जगह पर आया, करीब काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आया। सोच रहा था बहुत टाइम से कि यहाँ पर आएंगे और एक आपके लिए वीडियो बनाएंगे, लेकिन चाहता था मैं भी उनसे एक बार मिलना, और आज वो उनसे मिलना हुआ है। दोस्तों, उनसे मैं मिला और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर आके। और मैं बोल सकता हूँ कि जैसे या जो भी मैंने उनके बारे में देखा और पढ़ा और उनके जो चैरिटी के बारे में सुना और जो भी उन्होंने लॉकडाउन में हेल्प किया था, वो सबको पता है। और दोस्तों, ऐसा रियल में है। वो एक ऐसे इंसान है जो यहाँ पर सबसे मिलते हैं। उनसे कुछ एक कोलकाता की बच्चों की टीम बस से मिलने आई थी, वो उनसे मिले और मुझे लगा मुझसे नहीं मिलेंगे। वो अंदर की ओर शायद जा रहे थे क्योंकि मैं गेट के बाहर ही खड़ा था, लेकिन आवाज़ मार दिया भाई ने कि सोनू सूद भाई, सोनू सूद भाई। वो रुके और फिर जो गेट के पास थे हमको अंदर बुलाया और अंदर हम उनसे मिले। दोस्तों, उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा है। उन्होंने अपने साथ में एक बहुत ही मोहब्बत के साथ में फ़ोटो लिए, और वो तो उनका फ्लाइट था दोस्तों, वो भी यहाँ से बोल रहे थे फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे, लेकिन तो भी वो यहाँ पर रुके और जितने भी और लोग थे उनसे सबसे मिले, और बहुत ही अच्छा लगा है उनसे मिलके। बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, बहुत ही बढ़िया। जो भी मैंने उनके बारे में सुना है, जो जितनी उन्होंने चैरिटी की है और जितनी भी वो लोगों की हेल्प करते हैं, वो हकीकत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस गेट के पीछे सोनू सूद सर रहते हैं, ये उनकी बिल्डिंग है। आप इधर से देख सकते हो, यहां से यहां तक वो एरिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बहुत लोग डेली आके बैठते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है सोनू सूद सर के मैनेजर को लिख के वहाँ तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर सिस्टम है और जो भी हो सकता है सोनू सूद सर की तरफ से उनकी हेल्प की जाती है। दोस्तों, आज हम सोनू सूद सर से मिले हैं और हमको बहुत अच्छा लगा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये घर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, उधर जूम करके अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये वही बिल्डिंग है दोस्तों, ये वही विंडो है, ये वही जगह है जहाँ पर ये नारियल के पेड़ आप खड़े हुए देख रहे हो, जहाँ पर सोनू सूद सर रहते हैं। दोस्तों, अगर आप वॉचमैन की तरफ देखोगे, उधर जो वॉचमैन है वो लोग उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन हैं, जिनसे हमने कहा था कि भाई वो है कि नहीं पहले, उन्होंने बोला था वो हैं और हम फाइनली उनसे मिल चुके हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों उनसे मिलके। उनको भी सर, एक मिनट सर, सर सोनू सूद सर। दोस्तों, सोनू सूद सर से मिलके बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है यार। मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं, वो एक फिल्म स्टार हैं, बल्कि इस वजह से कि वो लोगों के दिलों को उन्होंने जीत लिया है। जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं मुंबई में ही था जिस वक्त, मुंबई में जो लोग लेबर थे उनको कितनी प्रॉब्लम हुई थी, जो लोग यहाँ पर काम करने आए हुए थे उन्होंने, ये सर ने जो इस घर में रहते हैं सोनू सूद सर ने इतनी हेल्प किया था वो टाइम पर, जितनी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया था। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि उन्होंने बस के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू, ट्रेन के थ्रू कितने लोगों को वो टाइम पर उनके घरों में पहुंचाया था, जहां पर कोई साधन ही नहीं था। मतलब जहां पर गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं थी, गवर्नमेंट की भी सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन इन्होंने अरेंजमेंट किया था प्लेन का, इन्होंने अरेंजमेंट किया था बस का, इन्होंने अरेंजमेंट किया था ट्रेन का, और बहुत सारे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया था एक ऐसे टाइम पर जब टाइम बहुत ख़राब था। तो दोस्तों, मैं जितनी तारीफ करूं ये सर की,
कम है बिकॉज ये उस लायक है यार, मतलब फिल्म स्टार बहुत हैं, बहुत लोगों की वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप मुझे जानते हो, और मैंने कभी किसी की इतनी दिल से तारीफ़ नहीं की है। और दूसरा तारीफ़ करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जब उनसे पब्लिक मिल रही थी, उन्होंने उनकी फ़्लाइट के लिए उनको लेट हो रहा था लेकिन वो तो भी मिले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आके हमको बहुत अच्छा लगा है। ये सब उनकी टीम है दोस्तों, और यहाँ पर वो रहते हैं, यहीं पर वो मिलते हैं, आप देखेंगे तो यही बिल्डिंग में वो रहते हैं दोस्तों। ये जगह मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला में है, जहाँ पर आप कासा बैलेंस पर आ सकते हो, इनकी बिल्डिंग का नाम है, और यहाँ पर देख सकते हो कि सोनू सूद सर कहाँ पर रहते हैं। तो अब हम यहाँ से बस हमारी निकलने की तैयारी है, यहाँ पर ही सोनू सूद सर हमें मिले हैं, जहाँ पर आदिल भाई हैं ये, और ये आप बिल्डिंग देख सकते हो, इस बिल्डिंग में वो रहते हैं, और यहीं पर बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए रहते हैं। आदिल भाई, सोनू सूद सर से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है आदिल भाई। वैसे हम लोग बहुत स्टार्स लोगों के घर पर जा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर फीलिंग आया वो अलग ही था ना। बहुत से लोग कैसे एक्टर लोग आते हैं और आके चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कुछ फैन लोग खड़े हैं तो फटाक से आए, हाँ, और आके मिलके गए और फोटो लिए। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा है मिलके। अभी वो फिलहाल नहीं है यहाँ पर, अब वो चले गए हैं, इसी बिल्डिंग में वो रहते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए इन्हीं जगह पर वो रहते हैं, जिनको बहुत सारे लोग अपना मसीहा समझते हैं, उन्होंने अपनी लोगों की बहुत हेल्प भी की है दोस्तों। और यहाँ पर शायद ये लोग, आप लोग भाई उनका ही वेट कर रहे हो, देखो बहुत बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं भाई, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, और करीब 5 बजे के टाइम पर वो आते हैं और यहाँ पर लोगों से उनका उनके बारे में पूछते हैं, और जो भी उनका वो लोग हेल्प कर पाते हैं वो हेल्प करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। ये लोकेशन आपको दिखा के देखिए, ये है इनकी बिल्डिंग का नाम, आप इसको गूगल पर सर्च करके कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। आपको दोस्तों अगर कभी भी ये देखना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, आदिल भाई भी मिले, स्टोरी वगैरह डाल दिए भाई। भाई आज हमारे सफ़र का साथी था ये, हम इससे आए हैं, और आदिल भाई आज ड्राइव करके आए हैं पूरा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरीथिंग, फॉर योर लव, फॉर योर कमेंट, फॉर लाइक। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। लव यू गाइज।